subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ये फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। इस फिल्म को रिलीज के पहले ही दिन छुट्टी का अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। वैसे रिलीज होने के बाद फिल्में कई नए रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म वॉर ने तो रिलीज से पहले ही एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल फिल्म की एडवांस बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने प्री बुकिंग के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। boxofficeindia.com के मुताबिक वॉर इस दशक की सबसे ज्यादा एडवांस टिकट बिकने वाली फिल्म बन गई है। साथ ही फिल्म ने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा प्री सेल कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि इसमें साउथ और हॉलीवुड की फिल्मों को शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि प्री सेल कलेक्शन में फिल्म वॉर ने अब तक 31 से 32 करोड़ रुपए की अच्छी खासी कमाई कर डाली है। इस रिकॉर्ड के बाद अब वॉर बुकिंग के मामले में केवल दो ही फिल्मों से पीछे है और वो है एवेंजर्स एंडगेम और बाहुबली। फिल्म की प्री सेल कमाई से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये फिल्म और भी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर फैंस के एक्साइटमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि फिल्म में ऋतिक और टाइगर के अलावा एक्ट्रेस वाणी कपूर भी लीड रोल में नजर आएगी।